कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हुए थे जो कि मैंने आपको डिस्कस करके बताया। इसके बाद हमें इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखनी है जो कि हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं अबाउट चार्ज सेपरेशन, अबाउट डायपोल मोमेंट, तो हमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही समझ आएगा कि यहाँ पे कैसे चार्ज सेपरेशन हो रहा है, कैसे डायपोल मोमेंट है। तो वो हम जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहीं से समझ आएगा, ठीक है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, और एक चीज हमने बोली है कि जो एजोलिन इज आइसोमेरिक विद नेफ्थलीन, तो एजोलिन आइसोमेरिक विद नेफ्थलीन, बट हाउ, जब हम इसे 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट करेंगे तब भी ये कन्वर्ट होता है नेफ्थलीन में। इतना इजीली नहीं होता कि रूम टेम्परेचर पे दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इतना भी आइसोमेरिक नहीं होता, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा टेम्परेचर वो हमें देना पड़ता है, रिएक्शन कंडीशन वो प्रोवाइड करानी पड़ती है। आफ्टर दैट एजोलिन इज आइसोमेरिक विद नेफ्थलीन, ओके। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम कुछ क्या अभी बहुत कुछ बचा है एजोलिन में जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, तब तक एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। इसके बाद देखिए हम पहला पॉइंट है वो तो यहां से देख लेते हैं कि एजोलिन है जब हम उसे हीट करते हैं अबाउट 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, देन वो यहां से कन्वर्ट करता है इन नेफ्थलीन, या कि यानी कि हम अभी तक जो भी हमने बोला है कि एजोलिन इज आइसोमेरिक विद नेफ्थलीन, वो चीज हमें यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करनी है। आफ्टर दैट हम देखेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एजोलिन, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ डायपोलर स्ट्रक्चर ऑफ एजोलिन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो हमें यहाँ से क्या देखना है, फर्स्ट तो क्या पहले हम काफी पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें देखना है यहाँ से, व्हेन एजोलिन इज हीटेड अबाउट 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, then it is converted into naphthalene. Then it is converted into naphthalene. When azoline is heated about 350 degree centigrade, then it is converted into naphthalene. जो पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट हमने यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन वो प्रोवाइड करा दी है स्पेसिफिक, एंड हम यहाँ से इसे रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बिकॉज रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत मैटर करता है इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आपने थ्योरी की फॉर्म में कुछ भी लिखा है, चाहे आप कितना भी एक्यूरेट लिख दो, कितना भी एग्जैक्ट लिख दो, वो नहीं इतना इफेक्टिव लगता जितना कि इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन लगता है, ठीक है। देन यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ कुछ कुछ चीज़ें। ये हो गया आपका एजोलिन, एजोलिन की स्ट्रक्चर है वो दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगी कि कहाँ से आपको डबल बॉन्ड्स वो लगाने हैं, ठीक है। ये होता है आपका एजोलिन। नाउ We said that azulin is isomeric with naphthalene. ठीक है, तो यहां से हमें क्या करना है, जब हम इसे हीट कर रहे हैं अबाउट 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, देन ये फॉर्मेशन किसकी कर लेगा, नेफ्थलीन की फॉर्मेशन कर लेगा, विच इज एरोमेटिक कंपाउंड, बट बेंजिनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड नेफ्थलीन, ठीक है। सो एक पॉइंट हमने यहां से ये डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट पॉइंट है वो डिस्कस करना है अबाउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर अबाउट द डायपोलर स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहां से क्या होने वाला है, द डायपोलर स्ट्रक्चर ऑफ एजोलिन कैन बी एक्सप्लेन्ड by the following resonating structures, ठीक है। तो यहां से हमें कुछ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं एजोलिन की वो देखनी है। इसके बाद देखिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जनरली हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं और उसी की हम बना देते हैं। यहाँ पे हमें दो स्ट्रक्चर्स बनानी है, तो दो स्ट्रक्चर्स है वो हम कैसे बनाएंगे और फिर उनकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो हम कैसे बनाएंगे। तो पहले हम एक बार के लिए दो एजोलिन बनाते हैं, ठीक है। एक बार के लिए हमें क्या करना है, दो एजोलिन बनाने, एक हमने ये बना लिया और दूसरा एजोलिन है वो हमने बना लिया ये वाला। मेरा बोर्ड हिल रहा है, सॉरी फॉर दैट, मुझे नहीं पता क्या क्या चीजें हो रही हैं, इस बार शायद ना हिले, ठीक है।
यहाँ पे सबसे पहले हमें दो एजुलिन बनाने। अब दोनों एजुलिन है उनमें से आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है पहले तो वो देख लो। एक एक जो स्ट्रक्चर है डिफरेंशिएट कहाँ से करना है, डबल बॉन्ड से ही करना है, बाकी तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। देखो एक स्ट्रक्चर है वो हमने ऐसे बनाई है जैसे कि हमने ऊपर वाले में बनाई होती है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर में हमने डबल बॉन्ड वो इस टाइप से लगाए। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, देखो दूसरे वाले स्ट्रक्चर में क्या पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ से ये वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हम मूव करा दें यहाँ पे, तो ये वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ पे, देन दिस विल मूव हियर, this will move here and it will move here, ठीक है। ऐसा सा कुछ कर देंगे, सारे डबल बॉन्ड्स हमको घुमा दो, ठीक है। एक एक स्टेप इन्हें आगे मूव करा दो। देन देखो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले वाला डबल बॉन्ड हमारा कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। उसके बाद दूसरा डबल बॉन्ड है वो कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तीसरा डबल बॉन्ड यहां पे आएगा एंड जो फोर्थ डबल बॉन्ड है वो यहां पे आएगा एंड फिफ्थ डबल बॉन्ड है वो यहां पे आएगा। चीज समझ आ रही है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स लेके चल रहे हैं, फिफ्थ डबल बॉन्ड है वो यहां पे आएगा। दोनों में हमने चेंज किया क्या है, एक बार के लिए देखो मैं आपको बताती हूं, रिटर्न नहीं है चीजें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ ट्रिक वगैरह, मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। एक बार के लिए आप नीचे की साइड में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, दूसरी बार के लिए आप ऊपर की साइड में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, एक डबल बॉन्ड लगा दो। उसके बाद आप अल्टरनेट चलते जाओ, डबल सिंगल सारे के सारे अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। एक डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे लगाना होता है, बाकी फिर आपको अल्टरनेट चलना होता है, सिर्फ इतना ही करना होता है। अब हमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमने बोला है पहले द टेंडेंसी ऑफ 7-membered रिंग इज टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स 5-membered रिंग। तो अब हमें क्या करना है, 7-membered रिंग से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है वो कहां पे करना है, टुवर्ड्स 5-membered रिंग करना है, तो ये तो हमें करना पड़ेगा। अब ये कैसे होता है वो चीज पहले हम यहां से देख लेते हैं। तो उसके लिए देखो करना क्या है, सबसे पहले चीज हमें क्या करना है, यहां से देखिए सबसे पहले हम ई वाले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। ये वाले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना है। अब एक बार के लिए मैं इन वाले एरोज को मिटा दूं, ये तो समझ आ गया ना कि हमने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर वो कैसे किया है। अब इन एरोज को मैं एक बार के लिए हटा देती हूँ क्योंकि इनके साथ फिर सारा का सारा गुड़गोबर हो जाना है, कुछ समझ नहीं आएगा, फिर बोलोगे मैम बताने क्या क्या पढ़ा देती हैं, ठीक है। मैं अच्छा ही पढ़ाने की कोशिश करती हूँ बेटा, अब तुम्हें नहीं समझ आए तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती। हाँ मैं तो थोड़ा स्पीडली भी पढ़ा रही हूँ आजकल, लेक्चर शुरू होने के बाद तो मेरी स्पीड ठीक रहती है, बट पता नहीं मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड बहुत कम कर पा रही हूँ आजकल, सॉरी फॉर दैट। ओके नाउ देखिए यहां से हमें क्या करना है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। अब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें ना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना है टुवर्ड्स 5-membered रिंग, ठीक है, टुवर्ड्स 5-membered रिंग। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यदि यहाँ पे आते हैं तो वो कहाँ पे आ रहे हैं, 5-membered रिंग के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, 5-membered रिंग के साथ में। ये वाला जो कार्बन है, ये वाले जो दो कार्बन है ये फ्यूजन में होते हैं विद 5-membered रिंग। तो यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। एंड देन यहाँ से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी हो बट हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम 7-membered रिंग टू 5-membered रिंग। देखिए मैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर होगी ये चीज, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर है ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ, मैं तो बड़ी अच्छी सी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाती हूँ वाची, ठीक है। यहां से देखिए ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आए यहाँ पे, जब यहां से बॉन्ड चला गया तो इस वाले कार्बन पे चार्ज कौन सा आना है, पॉजिटिव चार्ज आना है। देन यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ओके इतना हो गया। अब इसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है इसे हमने रख दिया इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव एंड ये वाली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये आपकी यहां से बन जाती है, क्लियर है इतना। ये वाली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये यहां से आपकी बन जाती है। इसके बाद चलिए हम दूसरे पे मूव करते हैं, हम इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो भी बना देते हैं। इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हम कैसे बनाएंगे, तो अगेन मैंने आपको क्या बताया है कि हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है फ्रॉम 7 मेंबर रिंग टू 5-membered रिंग। यानी कि हमें क्या करना है कि इस वाले कार्बन के कॉन्टेक्ट में 5-membered रिंग वाले कार्बन के कॉन्टेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाना है। जैसे ही हम यहाँ पे लेके गए ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। देन यहां से यदि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहां से स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ इस टाइप से बना देनी है। And resonating structures will help you during the chemical reactions, during the explanation of chemical reactions. And chemical reactions, what kind of chemical reaction acetylene will give, that are aromatic electrophilic substitution reaction, because aromatic electrophilic substitution reactions are the characteristic reactions of aromatic compound. Okay. जो कि हमें आगे डिस्कस करना है, ठीक है। एक बार के लिए हम इतना ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाले स्ट्रक्चर है ये आपकी होती है स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये वाले स्ट्रक्चर है इसे हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चर सेकंड। स्ट्रक्चर का नंबरिंग आप कैसे भी कर दो, पहले तो आपको इन दोनों स्ट्रक्चर्स को समझ में लेना है, अच्छे से समझना है, बिकॉज दोनों में जो इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन है वो काफी डिफरेंट है। एक को हम बोल सकते हैं कि
कि एक को हमने एक बार के लिए सीधा लिखा है, दूसरी बार के लिए हमने उल्टा लिखा है, ऐसा कुछ आप सीन देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हमने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आता है, जब हमने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आता है। अब जो पॉजिटिव चार्ज है उसका डिलोकलाइजेशन होना है, तो यदि आपको और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा मोमेंट ऑफ या फिर डिलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो करा देना है। चलो वो भी हम करा देते हैं। एक बार के लिए दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, अब फर्स्ट वाले की उसे हम थर्ड दे देते हैं और ये वाले स्ट्रक्चर है इसे हम फोर्थ स्ट्रक्चर दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये जो बनने वाले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये स्टेबल कैसे होंगे, तो ये स्टेबल होती है बाय द डिलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो हमने यहाँ से कुछ डिलोकलाइजेशन है वो मैं आपको करा के बता देती हूँ कि कैसे होना है। इतनी तो कॉमन सी चीज है, आप कर भी लोगे, खुद से भी कर सकते हो। अब जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में देखिए कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे मूव करेगा, टुवर्ड्स हियर। तो यहाँ पे यदि मूव करेगा तो कुछ ऐसे से स्ट्रक्चर है वो अगेन यहाँ से फॉर्म होनी है, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज है वो एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये वाला डबल बॉन्ड है ये भी एज इट इज रहेगा क्योंकि इसी का तो किया धरा है सारा, ठीक है। देन यहां से ये आ गया न्यू डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ वाला डबल बॉन्ड है वो भी एज इट इज रहेगा। इसके बाद अगेन कॉन्जुगेशन आ रहा है, अगेन कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ये मूव करेंगे यहाँ पे, जो कि सेटिस्फाई करेंगे यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है, देन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। थोड़ा सा अरे यार खुद की तारीफ कर दी, अब गंदी सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, सॉरी, तारीफ नहीं करनी चाहिए कभी कभी, डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, ओके। यहां से देखिए, जैसे ही हमने पॉजिटिव चार्ज, यहां से ये वाले जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इन्हें डिलोकलाइज किया तो पॉजिटिव चार्ज आता है इस वाले कॉर्नर वाले कार्बन पे, फ्यूजन वाले कार्बन पे। तो इस टाइप से जो बनने वाले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टेबल होती हैं। ये वाली आपकी फर्स्ट हो गई, फर्स्ट और सेकंड है वो दोनों कॉमन है, ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों कॉमन स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसके बाद ये वाली थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई थी, तो इसे हम फिफ्थ रख देते हैं, इसे हम सिक्स्थ रख देते हैं, ठीक है। इस टाइप से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो फॉर्म होती हैं। यदि आप बनाना चाहो तो इस वाले के लिए भी सेम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, जैसे कि हमने यहां से मूव कराया था पॉजिटिव चार्ज को, यहां से भी आप पॉजिटिव चार्ज को मूव करा दो। बट यदि आपसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूछी जाती हैं तो आप ऊपर वाले जो चार रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इतना बना दीजिए, मोर देन इनफ होता है। यदि आप इतना बना रहे हो, ये वाली भी बना रहे हो, तो ये एडिशनल होती हैं, ये कि जो कि रिप्रेजेंटेशन का अच्छा वे आपका रिप्रेजेंट करती हैं, एक्सप्लेन करने का मतलब आपका तरीका है वो अच्छा है, ये इसे मतलब बोल सकते हैं कि एक गुड इंप्रेशन है वो बनता है, ठीक है। और आपका कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता है कि कैसे जो आपका कंपाउंड है वो स्टेबल हो रहा है। सो दैट यदि आप बनाना चाहो तो इसकी भी बना सकते हो, सेम ही स्ट्रक्चर्स वो बनने वाली हैं, ठीक है। तो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एजुलिन। अब एजुलिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद हमें ये चीज देखनी है, क्योंकि पहले हमने क्या बोला कि द रीजन ऑफ डायपोल मोमेंट इज बिकॉज आफ्टर चार्ज सेपरेशन बोथ रिंग कंटेन्स 6 pi इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें वो चीज पहले देखनी है कि क्या चार्ज सेपरेशन के बाद में दोनों रिंग्स में 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं, हमने यहीं पे देख लेते हैं, पहले इस वाले में देख लेते हैं, देन उसमें भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस वाले में यदि हम देखें तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या दोनों रिंग्स हैं उनमें आ रहे हैं 6 pi इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए 2 pi इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4 pi इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 pi इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद जो फ्यूजन वाले कार्बन है एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स वो कांटेक्ट में हैं, तो 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहां से देखिए 2 pi इलेक्ट्रॉन्स 2 pi इलेक्ट्रॉन्स 2 pi इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 pi इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज आफ्टर चार्ज सेपरेशन दोनों में ही है वो क्या होते हैं 6 pi इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेम वे में यदि आप इस वाले स्ट्रक्चर में देखते हो 2 pi इलेक्ट्रॉन्स ये वाले हो गए, 2 pi इलेक्ट्रॉन्स ये वाले हो गए, 4 pi इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4 pi इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद देखो एक तो होता है जैसे कि हमने नेफ्थलीन में बनाया, फ्यूजन वाले कार्बन पे यदि ऐसा डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, फ्यूजन वाले कार्बन में यदि ऐसा डबल बॉन्ड होता है तो वो दोनों रिंग के लिए कॉमन होता है। यहां से हमें क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से इस वाले स्ट्रक्चर में यदि आप देखते हो बोलोगे कि मैम आप यहां का एक इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, क्योंकि यहां पे दूसरी पोजीशन पे नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चलो कंसीडर करते हैं 2 pi इलेक्ट्रॉन 2 pi इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। अब 4 हो गए तो ये दोनों तो नहीं है ना कॉन्टेक्ट में, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से तो 5 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। बट यहां से यदि हम देखते हैं तो दोनों स्ट्रक्चर में यहां पर भी डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड आ रहा है,
दैट्स वाई यहाँ से हम 6 pi इलेक्ट्रॉन वो कंसिडर करते हैं दोनों ही स्ट्रक्चर्स में। चीज क्लियर हो रही है, यहाँ से दोनों स्ट्रक्चर्स में हमने 6 pi इलेक्ट्रॉन वो क्यों कंसिडर किया है, ठीक है। तो यहाँ से 6 pi इलेक्ट्रॉन वो दोनों रिंग्स हैं वो फॉलो करती हैं हक्कल के रूल को, सेटिस्फाई करती हैं हक्कल के रूल को। अब यदि हम बात करें इनके रेजोनेंस हाइब्रिड की, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा कि जो आपकी 7 मेंबर रिंग होती है उसमें तो चार्ज कौन सा आना है, पॉजिटिव चार्ज आना है, एंड जो आपकी 5 मेंबर रिंग होती है उनमें चार्ज कौन सा आना है, नेगेटिव चार्ज आना है, ठीक है। तो यहां से देखिए, यदि हम बात करें रेजोनेंस हाइब्रिड की, तो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा एजुलिन का, कि यहां पे तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ये क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है जो कि यहां से शो करता है, जो कि यहां से शो करता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अबाउट द डायपोलर स्ट्रक्चर ऑफ एजुलिन, ठीक है। इसके बाद ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये यहां से क्या एक्सप्लेन कर रहा है, सबसे पहले चीज तो वो हम देख लें। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, बट विद द डिलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे 3 जो पाई बॉन्ड्स हैं वो होते हैं, 3 पाई बॉन्ड्स हैं वो चलो हम यहाँ पे बना देते हैं, एक हमने यहाँ पे बना दिया, दूसरा हमने यहाँ पे बना दिया, और तीसरा हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तीसरा हमने कहाँ पे बनाया है, एक यहाँ पे बना, दूसरा यहाँ पे बना, तीसरा यहाँ पे बना, ठीक है। इसमें हमने नेगेटिव चार्ज बनाया, नेगेटिव चार्ज के साथ में क्या होता है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है वो होता है, ठीक है, एक पाई बॉन्ड है वो होता है। अब यहाँ से हमने बनाया क्या है, एक्चुअल में यदि हम बात करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो किसे एक्सप्लेन कर रहा है, यदि एक बार के लिए आप इतने स्ट्रक्चर को देखते हो, ठीक है, इतने स्ट्रक्चर को देखते हो तो ये आपको क्या लगेगी, ये वाली स्ट्रक्चर है ये आपको क्या लगेगी, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, ठीक है, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर लगेगी। यदि आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखते हो तो ये वाली स्ट्रक्चर है ये आपको क्या लगेगी, साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल कैटायन, ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर्स का फ्यूजन है वो होता है आपका एजुलिन। यही चीज तो एक्सप्लेन कर रहा है एजुलिन की रेजोनेंस हाइब्रिड, द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ एजुलिन इज एक्सप्लेन्ड दैट द एजुलिन इज कंपोज्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन एंड साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन, ठीक है, यही चीज एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये पॉइंट है, ये हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, मे भी नीचे दिखेगा क्योंकि मैंने लास्ट स्क्रीनशॉट में भी लिखा था इतना नीचे तक, तो यहां तक आई थिंक आपको दिखेगा। तो लास्ट पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ एजुलिन एक्सप्लेन्ड दैट चौक दैट एजुलिन may be regarded as the combination of cyclopentadienyl anion and cyclohepta ट्राइनाइल कैटायन एंड साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल कैटायन, ये चीज हम बोल सकते हैं आफ्टर सीइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एजुलिन, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एजुलिन है वो यही चीज यहां से एक्सप्लेन कर रही है कि एक जो रिंग है वो तो आपकी किसकी तरह से होती है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन की तरह से होती है, और जो दूसरी रिंग है वो किसकी तरह से होती है, साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल कैटायन की तरह से होती है, एंड बोथ रिंग्स आर एरोमेटिक, ठीक है, दैट्स व्हाई एजुलिन इज ऑल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, इसीलिए आपका एजुलिन है वो भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो इस वाले पॉइंट में हमने क्या क्या देखा है, सबसे पहले चीज एजुलिन when azulene is heated about 350 degree centigrade temperature then it will converted into naphthalene. After that second point hai wo humne dekha hai the dipolar nature ya fir hum bol sakte hain the dipolar property of azulene can be explained by the resonating structures of azulene that we have एक्सप्लेन्ड हियर, ठीक है। आफ्टर दैट हमने देखा है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो यहाँ से एक्सप्लेन करता है कि जो रिंग होती है एजुलिन में उनमें से एक है वो तो बिहेव करती है लाइक साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, एंड जो दूसरी होती है वो होती है लाइक साइक्लोहेप्टाडाइनाइल कैटायन, जो कि दोनों ही एरोमेटिक रिंग्स होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन है वो हम बोल सकते हैं एजुलिन को। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, देन हम डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एजुलिन। हो गया,
गया, ठीक है। देखिए प्रिपरेशन मेथड है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज वीडियो मैंने जाके देखा काफी टाइम का हो गया है और मैंने बोला था कि ज्यादा लॉन्ग वीडियोज हैं वो मैं नहीं अपलोड करूंगी, बिकॉज आपको भी फिर प्रॉब्लम होती है कि एक साथ में लेके बैठ रहे हो, एक घंटे का वीडियो है तो वो देखा नहीं जाता, एक साथ में बोर हो जाते हो, मैं भी समझ सकती हूँ। सो जो नेक्स्ट है प्रिपरेशन मेथड है केमिकल रिएक्शन, वो मैं दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, सो दैट मैं अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बिकॉज यहाँ पे यदि मैं एक्सप्लेन करूंगी तो फिर वही मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो वो ऑलरेडी अबाउट 32-33 मिनट का हो गया है, सो दैट इसे मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट जो है वो मैं दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्रिपरेशन मेथड एज वेल एज केमिकल रिएक्शंस ऑफ एज़ोलेन। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।